मित्रों राम राम नमस्कार। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं धनतेरस के बारे में। धनतेरस जो पर्व है यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आती है। इस वर्ष यह 25 अक्टूबर के दिन पड़ रहा है जो कि शुक्रवार का दिन है। मान्यता है कि दीपावली जो 5 दिनों का जो त्यौहार है इसमें धनतेरस के दिन से ही ये प्रारंभ होता है और यह वैद्यराज धन्वंतरी जो समुद्र मंथन हुई थी उस समय धन्वंतरी जी का इसी दिन प्रादुर्भाव हुआ था। समुद्र मंथन से वो निकले थे और इसलिए बोलते हैं कि इस दिन अगर हम लोग जैसे पहले मान्यता रहती थी पहले राजा जो है सोने चांदी के बर्तन पे भोजन करते थे क्योंकि उनको उसके तत्व उनके शरीर में मिलते थे, पर आजकल वो सभी धातु जो हैं वो महंगे भी हो गए हैं। दूसरा हम लोग आजकल स्टील एल्यूमिनियम आदि प्रयोग कर रहे हैं, कुकर आदि जो प्रयोग कर रहे हैं इसमें जो धातु है उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो बोले धन्वंतरी यानी औषधियों की आज के दिन पूजा भी होती है धनतेरस के दिन, और धनतेरस के दिन कुबेर महालक्ष्मी जी की भी पूजा होती है। अगर विशेष नक्षत्र इस दिन पड़ जाए, विशेष संयोग बन जाए तो इस दिन हमको विशेष रूप से फल मिलता है। बोलते हैं इस दिन नया कोई भी सामग्री लेना चाहिए, कोई भी धातु लेना चाहिए। धातु नहीं हो तो अपनी पसंद की चीज़ों को लेना चाहिए। कुछ लोग वाहन लेते हैं, बहुत सारे मुहूर्त मिलते हैं। कुछ लोग अपने घर में मोबाइल लेते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं तो झाड़ू ही लेते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ों को हमको लेना चाहिए। धनतेरस का जो पर्व है हम सभी के लिए आनंददायी है। इसका मतलब ये नहीं कि जो कोई विशेष चीज़ खरीदा है उसी को ही धनतेरस में देवी देवता कृपा मिलेगी। हम कुछ अन्य विधि से भी माता जो लक्ष्मी है, कुबेर है और धन्वंतरी की कृपा पा सकते हैं। ये स्वास्थ्य का भी दिन है, धन का भी दिन है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से हम लोग अगर अपने आसपास सफाई करते हैं, देवी देवताओं के मंदिरों में भी अगर हम सफाई करते हैं, माता पिता के कमरों को भी सफाई करते हैं तो विशेष रूप से धनतेरस का हमको फल मिलेगा। साथ ही बोले हैं कि आप अगर योग्य हैं तो आपको सोना धातु लेना चाहिए। सोना धातु अगर ना मिले तो चांदी लेना चाहिए। चांदी के भी योग्य आप नहीं हैं, अगर नहीं ले पा रहे हैं तो फिर आपको लेना चाहिए कांसा। कांसा भी नहीं ले पा रहे हैं तो आपको लेना चाहिए पीतल। पीतल भी नहीं है तो तांबा, और तांबा भी नहीं ले पा रहे हैं तो स्टील के बर्तन लेना चाहिए। लेकिन प्लास्टिक के कोई भी धातु है, प्लास्टिक को नहीं माना गया है, उसको नहीं लेना चाहिए। हाँ अगर वो नहीं है तो आप मिट्टी का एक कलश ले सकते हैं, घर में ला सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कभी भी पर्व त्यौहार में बड़े हैं अगर आप घर के तो आपको कुछ ना कुछ लाना चाहिए, कुछ ना कुछ मीठा लाना चाहिए, खील बतासा ही लाना चाहिए। बोलते हैं धनिया लेना भी बहुत अच्छा माना गया है। धनिया, गेहूँ, जो भी अन्न में आते हैं थोड़ा सा आप अवश्य लाए। और अगर आपको लगता है धनतेरस के दिन और कुछ उपाय करने चाहिए, और कुछ करना क्या चाहिए, तो उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले धनतेरस यानी तेरा जो दिया है ये आटे का या नया दिया मिट्टी का आपको रख लेना है घर में। दूसरा आपको धनतेरस के दिन तेरा दिया उत्तर दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए, चौकपुर लेना चाहिए और उत्तर दिशा की ओर पूरे हर दिए का मुख होना चाहिए। और इस दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी जी की पूजा के साथ साथ यम देवता के नाम से भी हमको दक्षिण दिशा में प्रणाम करना चाहिए, अक्षत छोड़ना चाहिए। और एक चौमुखी दिया जिसके एक दिया के चार भाग चार दिशा निकालने चाहिए, उसको सरसों तेल या तिल के तेल डाल करके को घर के द्वार के बाहर आपको जला के आना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। साथ ही बोले धनतेरस के दिन आप बने तो अपने व्यवसाय में घर में बही खाता इसी दिन खरीदने का विधान है, बही खाता लाना चाहिए। और पंडित जी को बने तो पंडित जी को अवश्य बुलाना चाहिए घर में, उनके द्वारा स्वस्ति वाचन, श्री सूक्त का वाचन, पुरुष सूक्त का वाचन, ये सब जब करेंगे तो घर में माहौल
बहुत अच्छा होता है। पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक एनर्जी बनती है। अवश्य ये काम करें, कुछ नहीं तो 10 मिनट के लिए पंडित जी को बुला कर स्वस्ति वाचन ही करवाना चाहिए। उनको यथासंभव कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, वस्त्र आदि, श्वेत वस्त्र या लाल वस्त्र अगर दान करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देवियों का ये विशेष प्रिय रंग है। धनतेरस में खरीदारी के लिए आप लोगों के लिए मैं कुछ विशेष मुहूर्त को यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको आप अवश्य देखिए, और इनको देखने के बाद आप इन्हीं मुहूर्त में अपना जो भी खरीदारी है वो करें तो बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि मुहूर्त में किए गए कार्य विशेष लाभकारी होते हैं। बोलते हैं धनतेरस के दिन अगर चांदी खरीदा जाए तो 7 गुना उसका फल अधिक मिलता है। अब आप जानिए कि अपनी अपनी राशि के हिसाब से आप कौन कौन सी धातु आप ले सकते हैं, कौन कौन सी धातु को आपको लेना चाहिए, आइए उसी पर चर्चा करते हैं। मेष राशि वालों को चांदी या तांबा के बर्तन या इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना चाहिए। वृषभ लग्न के वृष राशि के जातक को चांदी या तांबे के बर्तन लेना चाहिए। मिथुन लग्न के जातक को या मिथुन राशि के जातक को स्वर्ण आभूषण, स्टील के बर्तन, हरे रंग के घरेलू सामान या पर्दा लेना चाहिए। कर्क राशि वालों को चांदी के आभूषण या बर्तन लेना शुभ माना गया है। सिंह राशि के लोगों को तांबे के बर्तन, वस्त्र, सोना ये लेना अच्छा माना गया है। कन्या लग्न के लोगों को गणेश जी की मूर्ति, सोना या चांदी के आभूषण और कलश लेना अच्छा माना गया है। तुला राशि के लोगों को वस्त्र, सौंदर्य या सजावट सामग्री, कोई भी अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए, चांदी या स्टील के बर्तन ले सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातक लोग को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सोने के आभूषण, बर्तन आदि लेना शुभ है। धनु राशि के लोगों को स्वर्ण आभूषण या तांबे के बर्तन लेना शुभ है। मकर राशि के जातक को वस्त्र, वाहन, चांदी के बर्तन लेना शुभ है। कुंभ राशि के जातक को सौंदर्य के सामान, स्वर्ण, तांबे का पात्र और जूता चप्पल लेना भी शुभ है। मीन राशि के जातक को स्वर्ण आभूषण और बर्तन लेना अति शुभकारी माना गया है। तो धनतेरस का जो पर्व है इसमें पूजा का जो विशेष समय है वो हमको प्रदोष काल में ही शाम के समय ही करना चाहिए, सूर्यास्त के आसपास का समय अच्छा माना गया है। और बोला गया है कि अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो दिन के शुभ मुहूर्त में जो मैंने बताया उन्हीं में ही आपको करना अच्छा माना गया है। धनतेरस आप सभी के लिए शुभता लाए, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।